Hey, what's up guys, this is Dipesh and आज की वीडियो में हम बात करने वाले डोमेन रेसर के बारे में। डोमेन रेसर इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है एंड बेस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइडर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप आखिर तक देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मैं इसे बेस्ट क्यों कह रहा हूँ। वेल, हम इसे थोड़ा बहुत कंपेरिजन भी करेंगे बाकियों के साथ में कि ये क्यों बेटर है, तो वीडियो को आप आखिर तक देखो एंड बिना टाइम इसके सीधे चालू करते हैं डोमेन रेसर के बारे में बातें करना। तो डोमेन रेसर का तो मेन फीचर है कि ये लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, बट उसके पहले मैं होस्टिंग के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग डोमेन्स भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको सारे डोमेन्स देखने को मिल जाएंगे। आप बात करो .com, .in या फिर जितने भी एक्सटेंशन के सारे डोमेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड डोमेन का जो बेसिक प्राइस चालू होता है .in का, वो ₹399 से चालू होता है एंड .com का ₹599 से चालू होता है। एंड बाकी प्राइस आप जाके यहाँ पे नीचे से देख सकते हो। एंड हाँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डोमेन क्यों ले रहे हो, आप इनसे होस्टिंग ले लो। एंड होस्टिंग में बेसिकली आपको एक डोमेन तो हमेशा फ्री मिलेगा, भले आप इनका बेस्ट प्लान भी क्यों ना ले लो, आपको एक डोमेन तो फ्री मिलता ही है इनका होस्टिंग के साथ। अब हम बात करते हैं इसके होस्टिंग सर्विस के बारे में। वेल, इनका जो होस्टिंग सर्विस है वो चालू होता है ओनली ₹59 पर मंथ से, जो इनका बेस्ट प्लान है। वेल, इसके कई सारे प्लान है, बेसिक, पर्सनल, सिल्वर एंड एडवांस। अगर आप एडवांस यूजर हो तो जरूर एडवांस वाला प्लान ले लेना। मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेसिक प्लान की। अगर आप एक बिगनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट यूजर भी हो तो आप बेसिक प्लान को ले सकते हो, जो कि काफी अफोर्डेबल है, ओनली ₹59 पर मंथ। एंड आपको एक डोमेन तो जरूर फ्री देखने को मिल जाएगा, इनमें से कोई सी सर्विस आप ले लो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है SSD स्टोरेज। वेल, आप पे भी देखोगे बहुत सारे होस्टिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं हार्ड ड्राइव वाले स्टोरेज, जो कि काफी स्लो होती है, बट यहाँ पे आपको SSD सर्विसेज देखने को मिलती है सभी में, तो आपकी वेबसाइट में स्पीड तो ऐसे देखने को मिल जाएगी। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बेसिक प्लान में भी 10 ईमेल आईडी देखने को मिल जाती है, 5GB का बैंडविड्थ एंड लाइव स्पीड का टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है एंड बूस्ट करता है आपके कंटेंट को, मतलब आपके जो भी जावा स्क्रिप्ट या फिर जो भी CSS वगैरह लगे हुए जल्दी वेबसाइट पर लोड होगी, तो आपका वेबसाइट जल्दी लोड होगा, तो इन सभी चीज़ों को भी ऑप्टिमाइज करता है। वेल, ये लोग SSD यूज़ करते हैं, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट इनके सभी होस्टिंग प्लान में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, जहाँ तक बात करें सिक्योरिटी की, ये 100% सिक्योर है, तो आप बिल्कुल अटैक वगैरह से तो एकदम फील फ्री हो जाओ एकदम। वेल, मुझे सबसे अच्छी बात डोमेन रजिस्टर की ये लगती है कि यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलते। वेल, आपने देखा होगा कि GoDaddy या फिर दूसरे कुछ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जहाँ पे आपको ₹99 इनिशियली देखने को मिलता है, बट आप जब उस सर्विस को वाकई में खरीदने जाते हो तो नेक्स्ट करने का एकदम पेमेंट पेज तक जाते जाते वो ₹1000 के आसपास हो जाता है। वेल, यहाँ पे आपको कोई से हिडन चार्जेस देखने को नहीं मिलता, जो प्राइस यहाँ पे लिखी है उतनी प्राइस है, आप आगे जाओगे तो वैसे ही देखने को मिलेगा। इस टाइप का कोई हिडन प्राइस यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, ये मुझे बिल्कुल ऑनेस्टी वाली बहुत ही अच्छी बात लगती है डोमेन रेसर की। वेल, डोमेन रेसर से आप चाहो तो रीसेलर होस्टिंग भी ले सकते हो। रीसेलर होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, रीसेलर होस्टिंग में आप इनसे सर्वर ले लो एंड आप खुद एक होस्टिंग कंपनी बनो एंड बाकी लोगों को आप होस्टिंग बेचो, तो इस तरह से आप बाकियों को होस्टिंग बेच सकते हो। बीच में आप भी, मतलब आप खुद को कंपनी की तरह रिप्रेजेंट करो इन लोगों को होस्टिंग बेचो, तो इससे आप भी अर्न कर सकते हो इनके प्रोग्राम में अगर आप जुड़ते हो तो। तो रीसेलर होस्टिंग जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, मीन्स वो कंपनी काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये लोग वाकई में एक सर्वर प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। वेल, अगर आप इनसे रीसेलर होस्टिंग लेते हो तो इसमें डोमेन रेसर का नाम कहीं से भी कहीं तक नहीं आएगा, सारा चीज़ें आपके नाम पे रहेगा, मतलब आपकी कंपनी का लोगो वगैरह जो भी, बट जितना भी सपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें रहेगी ये लोग उसका देख लेंगे। आपको सपोर्ट वगैरह में झंझट में नहीं फंसना है, आपको होस्टिंग लेना है और बेचना है, आपको बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं करनी, सारी चीज़ें बैकग्राउंड में डोमेन रेसर मैनेज कर लेगा। रीसेलर होस्टिंग की तो बात हो गई, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक बार ट्राई कर लेना कभी कर रहे हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं VPS होस्टिंग की। VPS होस्टिंग उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर चाहते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही एक्चुअली VPS का मीनिंग होता है। तो वेल, यहाँ पे अगर आपकी फाइल को एकदम आप कुछ खतरनाक वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स टाइप की, एकदम आपको पेमेंट गेटवे वगैरह लगा रहे हो, तो सिक्योर चाहिए। वेल, बाकी में भी सिक्योर होता, बट यहाँ पे आपको प्राइवेट सर्वर चाहिए, ठीक है, तो आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले सकते हो। एंड इनका जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है उसके प्लान्स भी आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। इसमें एक CPU कोर देखने को मिल जाता है बेसिक प्लान में, 2GB की RAM आपको देखने को मिलती है, 20GB का स्टोरेज एंड 2TB का बैंडविड्थ देखने को मिल जाता है इनके बेसिक प्लान में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ले सकते हो VPS होस्टिंग भी, क्योंकि ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इनकी, मतलब आप समझ रहे हो कि इनकी कैपेबिलिटी है VPS सर्विस प्रोवाइड करने की, रीसेलर प्रोवाइड करने की, तो कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जहाँ तक बात आती है ट्रस्ट की, तो इनका जो कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पर ऑनलाइन चैट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ईमेल सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 24/7 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। सर्विस ले ली
फिर कोई झंझट वाली बात हुई, वैसे तो होना नहीं है, बट अगर हो भी गई तो इनके कस्टमर वाले बैठे 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए, तो टेंशन फ्री होकर आप इनसे हेल्प ले सकते हो। अब बात करते हैं उनके एफिलिएटेड प्रोग्राम के बारे में, आपको बता देता हूँ। अगर आप इनसे होस्टिंग लेते हो या फिर बिना नहीं भी लेते हो तो आप इनके एफिलिएटेड प्रोग्रामिंग में जुड़ सकते हो। तो एफिलिएटेड प्रोग्राम के तहत आप अगर डोमेन रेसर को रेफर करते हो आपके फ्रेंड्स को, आपके व्यूअर्स को या फिर किसी को भी, तो आपको 70% का कमीशन ऑब्वियसली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं भी अगर आपको रेफर करता हूँ तो मुझे भी कुछ देखने को मिलेगा, एंड जो कि अच्छी बात है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी लिंक्स नीचे से जाके लेते हो तो चैनल को ग्रो करने में मुझे सपोर्ट मिलेगा। वेल आपकी मर्जी, आप चाहो तो मेरी लिंक्स ले सकते हो, मतलब डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। वेल मेरा काम है तो बस आपको बताना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हाँ भाई डोमेन रेजिस्टर इतनी अच्छी चीज है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि हाँ इनके प्राइसिंग, इनके जो भी ऑनेस्टी है, ये सारी चीजें मुझे काफी बढ़िया लगी। इनके जो SSD प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज है, कस्टमर सर्विस, ये मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ों को रेफर कर रहा हूँ कि हाँ आप डोमेन रेजिस्टर ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, मेरी लिंक से लेना, मेरी लिंक से लो, कहीं और से लेना, कहीं और से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ ये चीज़ें हैं, ये फीचर जो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड हाँ, अगर प्राइसिंग की बात अगर करें तो यहाँ पे जिनका बेस प्लान चालू है तो 59 rupees है। वही अगर आप दूसरे को कंपेयर करो तो वहाँ पे आपका प्राइस थोड़ा हाई देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डोमेन रेजिस्टर। एंड डोमेन रजिस्टर में ये बात मेरे को अच्छी लगती है कि जितना प्राइस किसी कस्टमर से लेना चाहिए उतना ही प्राइस ले रहे हैं, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहे हैं, तो उतना ही कॉस्ट लग रहा है आप एक यूज़र को, मिनिमम कॉस्ट लग रहा है, सर्विस बेटर मिल रही है, इसलिए मैं आपको डोमेन रजिस्टर रिकमेंड कर रहा हूँ। सो मैं इसके ऊपर मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि आपको इसमें वर्डप्रेस की होस्टिंग कैसे बनाया है, इसका cPanel कैसा है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप चाहो तो मुझे बता देना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज द पेज साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।